Now, next numerical is, two car, each of mass 1000 kg. दो कार हैं, दोनों का वजन सेम है, कितना 1000 kg, are moving in a straight line, but in opposite direction. एक इस तरफ आ रही है, एक इस तरफ आ रही है, moving in opposite direction. आएगा समझे कि straight line में move कर रही है. Now, opposite direction है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? The velocity of each car is 5 meter per second before collision. उन दोनों के टकराने से पहले दोनों की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग व्हिच दे स्टिक टुगेदर और उसके बाद जैसे ही वो टकराए वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए स्टिक टुगेदर ठीक है नाउ व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड कार आफ्टर कोलिजन आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो टकरा गए दोनों मिल गए कंबाइंड मास बन गया उसकी क्या वेलोसिटी है ये बताइए क्या क्वेश्चन है एक कार आ रही इधर से 1000 केजी की एक कार इधर से 1000 केजी की दोनों आपस में टकराई और चिपक गई शुरू में तो दोनों की 5 मीटर पर सेकंड गिवन है वेलोसिटी आपको बताना है टकराने के बाद कितनी हुई बराबर नाउ तो डायग्राम देखिए एक मास 1000 केजी एक कार ले लिया m1 और उसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी है 5 मीटर पर सेकंड तो ये आपके लिए किसका काम करेगा u1 अब दूसरा मास भी कार का वही है 1000 kg लेकिन ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में आप एरो में देखिए ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है अभी अपन ने जितने भी डायग्राम्स बनाए हैं आपको मैंने कहा ना एरो क्या बताएगा किधर जा रहा है तो ये इधर और ये इधर और जब कोई अपोजिट आए तो वेलोसिटी 5 नहीं होके u2 -5 हो जाएगी आपने अभी पढ़ा है माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए तो एक कार इधर जा रही है एक कार इधर आ रही है तो जो अपोजिट आ रही है उसमें माइनस लगा दिया क्यों वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन अगर दोनों सेम होता तो प्लस होता जैसे अभी पहले क्वेश्चन में था बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट नाउ बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्लियर ये दोनों टकराए और दोनों देखिए चिपक गए तो m1 m2 स्टिक हो गए और मास कितना बन जाएगा m1 plus m2 एक का 1000 दूसरे का 1000 तो टोटल मास 2000 तो 2000 kg इज द टोटल मास आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है कि इसकी कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है ठीक है रूल लगाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा m1 u1 plus m2 u2 इज इक्वल्स टू ये इनिशियल मोमेंटम इसका मोमेंटम m1 u1 इसका मोमेंटम m2 u2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम अब फाइनली मास तो एक ही है कौन सा टोटल मिला के तो कितना हो गया m1 plus m2 टोटल मास into velocity v जो आपको निकालना है let it be v अब वैल्यू पुट करते हैं ये समझ में आया ना इनिशियल मोमेंटम m1 u1 दूसरे वाले का m2 u2 और फाइनली तो एक ही बॉडी अगर ये टकरा के अलग हो रही होती तो फिर हम m1 और वो m2 अलग लिखते क्वेश्चन में क्या गिवन है दोनों क्या हो गए स्टिक टुगेदर तो मास m1 plus m2 और आपको ये v निकालना है वैल्यू पुट करते हैं तो m1 कितना गिवन है 1000 kg kg में इसलिए सीधा kg में रख देंगे ग्राम में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता यहां तो m1 सीधा kg में into u1 कितना गिवन है 5 प्लस अगेन मास 1000 लेकिन u2 कितना रखेंगे -5 बराबर है -5 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और फिर m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा तो 2000 हो जाएगा दोनों का कंबाइन मास into velocity भी निकालना है लेकिन इन सब का क्या मतलब रहा 5000 और ये माइनस का 5000 तो वैसे ही सब कितना हो गया जीरो तो आंसर कितना आ गया जीरो मीटर पर सेकंड तो आपको अगर दो बॉडी एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं हाँ अगर इनकी वेलोसिटी कम ज्यादा होती तो यहाँ वैल्यू कुछ आती सपोज एक कार 5 से चल रही है एक 10 से चल रही होती तो यहाँ 10 रखते तो कुछ बच जाता बट ये तो दोनों एक जैसी वेलोसिटी से चल रही थी तो जितना इसका 5000 प्लस में आया ये 5000 माइनस में आ गया और नेट कितना बन गया जीरो तो इस वाले की वेलोसिटी वैसे ही जीरो आ गई अगर ये कम ज्यादा होते तो आप कर पाएंगे सपोज इसकी वेलोसिटी 5 है इसकी वेलोसिटी 10 गिवन होती तो यहां -5 की जगह कितना आ जाता -10 -10 रख के आप सॉल्व कर देते तो आ जाएगा आपको समझ में हमने दो क्वेश्चन किए हैं सेम में जाए टकरा के अलग हो जाए अपोजिट में आए चिपक जाए तो इन सब क्वेश्चन में कौन सा लॉ लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नोट कर लीजिए दैट्स ऑल